गाइस, क्या हाल चाल है सबके। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज हम लाए हैं दो बहुत धमाकेदार बेबलेट्स। जो है गाइस, ये हमारे फर्स्ट बेबलेट। सो गाइस, ये है जिलियन जेट्रॉन Z2, जो है बहुत ही धमाकेदार और ज़बरदस्त बेबलेट, फर्स्ट बेबलेट। और ये है गाइस हमारा स्ट्रॉन्ग पेरिजन S2, जो एक और धमाकेदार फर्स्ट बेबलेट है। सो गाइस, दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त बेबलेट्स हैं, तो आज इन ज़बरदस्त बेबलेट्स का हम बैटल करवाने वाले हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, जो स्ट्रॉन्ग पेरिजन है ये राइट स्पिन है और बैलेंस बेबलेट है, और ये जो जिलियन जेट्रॉन Z2, ये गाइस हमारा राइट स्पिन है और स्टेमिना टाइप बेबलेट है। सो गाइस, दोनों ही प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही हाई है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों का वेट एग्जैक्टली सेम है। तो गाइस, दोनों में ही ड्यूल लेयर है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं ड्यूल लेयर क्या मदद करती है। जैसे आप ये दिखा रहे हैं, इसमें ये ड्यूल लेयर है और इसमें भी ये ड्यूल लेयर है, और जिलियन जेट्रॉन में हमें दो ड्यूल लेयर्स मिलती है। एक है गाइस ये वाली ड्यूल लेयर्स आप देख रहे हैं, और एक है गाइस ये अपर वाली ड्यूल लेयर, और ये लोअर वाली ड्यूल लेयर्स, और ये है गाइस इसके बॉटम वाली ड्यूल लेयर। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग प्रिजन है, इसकी ये अपर वाली ड्यूल लेयर्स है। तो गाइस, ये ड्यूल लेयर हमें ये मदद करती हैं कि हमें ये दोनों ही ऑफेंस और डिफेंस में जब हम बैटल करवाते हैं, ये दूसरे बेबलेट के साथ हमें मदद करती है ऑफेंस में और डिफेंस करने में। तो बेबलेट्स बहुत बढ़िया मुकाबला करता है दूसरे वाले बेबलेट से। तो गाइस, इसके साथ हमें ये लॉन्चर्स मिलते हैं, और ये लॉन्चर्स कॉर्ड है गाइस। ये ब्लैक वाला है स्टॉर्म प्रिजन का, और जो रेड वाला है वो है गाइस इसका जिलियन जेट्रॉन का। और गाइस, ऑलमोस्ट दोनों का ही सेम लॉन्चर और लॉन्चर कॉर्ड है। और गाइस, ये है इसकी लॉन्चर स्टिक। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, जो ये दोनों ही बेबलेट्स की टिप है वो भी बहुत बढ़िया है। इसकी जो टिप है हमारी स्ट्रॉन्ग प्रिजन की, ये है गाइस ओवल शेप में, ये आप देख सकते हैं गाइस। और जो हमारी जिलियन जेट्रॉन की टिप है वो है गाइस हमारी ये राउंड शेप में, ये भी आपके सामने है। तो गाइस, अब जल्दी से इनका दोनों का मुकाबला करवाते हैं और देखते हैं कौन सा बेस्ट परफॉर्मर है हमारा, और आज के हमारे बैटल का हीरो कौन है। 3-2-1 एंड 3-2-1। गाइस, आपने देखा जिलियन जेट्रॉन बहुत ही पावरफुल बेबलेट है, उसने जो हमारा स्ट्रॉन्ग प्रिजन है उसको फर्स्ट कर दिया है। सो गाइस, इसके हिसाब से ये हमारा पावरफुल बेबलेट है। तो गाइस, अब दोबारा से इनका बैटल करवाएंगे एक बारी फिर से, और हमें कम से कम दो बैटल से पता लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस और हैवी बेबलेट कौन है और ज़्यादा पावरफुल बेबलेट कौन है। गाइस, आपने फिर देखा है जो जिलियन जेट्रॉन है वो ज़्यादा पावरफुल है, और उसने दूसरी बारी भी जो हमारा स्ट्रॉन्ग प्रिजन है उसको दोबारा से बर्स्ट कर दिया। जिलियन जेट्रॉन है, ये ऑलरेडी इसका स्टेमिना बहुत हाई है। तो गाइस, मुझे तो यही लग रहा है कि जिलियन जेट्रॉन ही जीतेगा। और ये जो गाइस है हमारा स्ट्रॉन्ग प्रिजन, ये हमारा गाइस पहले ही डिफेंस टाइप है, तो ये उस हिसाब से चल रहा है। बट जो जिलियन जेट्रॉन है उसका जो नॉइज़ है वो ज़्यादा है, और इसकी जो नॉइज़ है स्ट्रॉन्ग प्रिजन की वो बहुत कम है गाइस। 3-2-1 है। गाइस, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है इसकी, और आप जिलियन जेट्रॉन की नॉइज़ सुनो। तो गाइस, फिर से जिलियन जेट्रॉन ही विन किया, क्योंकि गाइस इसमें ड्यूल लेयर्स हैं, अपर ड्यूल लेयर, लोअर ड्यूल लेयर और बॉटम लेयर्स। तो गाइस, इसका जीतना बनता है, ये ज़्यादा पावरफुल बेबलेट है। जिलियन जेट्रॉन पावरफुल ये भी है गाइस, पर जिलियन जेट्रॉन ज़्यादा पावरफुल है। गाइस, मैं आपको बता दूं, दोनों ही TD ब्रांड के हैं, तो इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। तो गाइस, ऐसा लगा आपको आज का वीडियो, तो इस वीडियो को गाइस बहुत सारा प्यार दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइबर रेट प्लीज़ बढ़ाएं हमारा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।